लोक निर्माण विभाग में वेतन के पड़े लाले। वेतन की मांग को लेकर कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट का किया घेराव। कर्मचारियों ने कहा भूखों मरने की कगार पे परिवार, वेतन नहीं मिला तो मुख्यमंत्री का करेंगे घेराव। आपको बता दें कि एक और प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के द्वारा पेश किए गए बजट को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विकास के क्रांति का बजट बता रहे हैं। वहीं 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात कह रहे हैं, तो दूसरी ओर रीवा के लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को वेतन के लाले पड़ गए हैं। रीवा में 2 माह से लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। कर्मचारियों ने आज अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इस दौरान कर्मचारियों ने यह भी चेतावनी दी कि यदि उन्हें वेतन नहीं दिया गया तो मऊगंज में होने वाले मुख्यमंत्री के दौरे में उनका घेराव करेंगे। आज रीवा में लोक निर्माण विभाग के संभाग क्रमांक 1 व 3 में कार्यरत स्थायी कर्मचारियों एवं श्रमिक वेतन न मिलने के कारण सड़क पर उतर आए। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें 2 माह से वेतन नहीं दिया गया, उनके घर में खाने के लाले पड़ गए हैं, बच्चों की पढ़ाई में भी दिक्कत आ रही। कर्मचारियों का कहना है कि 22 फरवरी को समझौता स्वरूप ये कहा गया था कि उन्हें जल्द ही वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा, लेकिन अब अधिकारी ये कह रहे हैं कि उनका केवल मूल वेतन दिया जाएगा जो मिलने वाले वेतन का 25% भी नहीं है। आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे हजारों कर्मचारियों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि उन्हें जल्द से जल्द वेतन दिया जाए, नहीं तो आने वाले मुख्यमंत्री के दौरे में वे अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। प्रस्तुत है पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी सहित नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या मांगे सर? 22 तारीख को हमारा समझौता हुआ था मुख्य अभियंता महोदय के कार्यालय के समक्ष कि हम 2-3 दिन के अंदर वेतन भुगतान कर देंगे, लेकिन हमारे कर्मचारियों की बच्चों की भविष्य अंधकारमय है, इनका वेतन आज दिनांक तक वेतन भुगतान नहीं किया गया। आज कुछ बीमार रहे, उनके सदस्य घर में दवाई के लिए पैसा नहीं है, दर दर की ठोकर खा रहे हैं। इन 4-5 सूत्री मांगों थी जो तो आज तक निराकरण उन्होंने हमसे आके बात नहीं किया। समझौता में आकर दूसरे से दस्तखत कराया गया और आज दिनांक तक उन्होंने हमसे बात करना नहीं सीखा। ये पता नहीं, कहते हैं बजट नहीं है, जबकि अभी कल 4 करोड़ रुपया आया और पता नहीं कहाँ चला गया गया। कहते हैं आधी तनख्वाह देंगे, मतलब मूल वेतन 6,000-5,000 में, मतलब हमारे बच्चों का कैसा पालन पोषण होगा सर इस महंगाई में। किस विभाग से आए हैं आप? लोक निर्माण विभाग कार्यपालन यंत्री कार्यालय से आए हैं सर। किस कर्मचारी हैं? ये स्थायी कर्मी सब मजदूर वर्ग हैं, यहाँ तक कि सीएम का कार्यक्रम यही करवाते हैं यही कर्मचारी, मंच से लेकर के इनके बंगले तक कार्य यही करते हैं, और लेकिन इन लोगों की आज तक कोई सुनवाई नहीं की गई सर। कितने कर्मचारी? 1,000 सर। 1,000 के लगभग जी, पूरे जिले में 1,000 के लगभग। आपका अधिकारी कौन है? के गर्ग। इनसे क्या बातें हुई अभी तक? ये कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण करने के नहीं आ रहे हैं। ये लोक निर्माण विभाग के स्थायी कर्मी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं। विभाग द्वारा जनवरी 2023 से लेकर आज तक वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। इनमें ये कर्मचारी हैं जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन परीक्षा नहीं देने को मिल रही है। बीमार हैं, बीमार के इलाज नहीं हो पा रहा है, और कार्यपालन यंत्री यही ठेकेदार का पेमेंट करने के लिए उनके पास समय है। बंगले में पूरी फाइलें मंगवा करके पेमेंट किया जाता है, लेकिन श्रमिकों के भुगतान के लिए उनके पास समय नहीं है। आज कहा जा रहा है जब हम लोग इकट्ठा हुए कि हम मूल वेतन 3,000-4,000-5,000 रुपये पर भुगतान करेंगे। 20,000 रुपये हमारी तनख्वाह एक महीने की होती, 3,000 रुपये में हमारा कैसा गुजारा होगा, लेकिन कार्यपालन यंत्री को समय नहीं है। आज हम जिला कलेक्टर दे रहे हैं और इस समस्या का निराकरण करें, और नहीं तो 4 तारीख को मुख्यमंत्री साहब रीवा आ रहे हैं, हम उनका घेराव करेंगे, रोड में प्रदर्शन करेंगे और गाड़ी के सामने लेटेंगे जब तक हमारी। हमारा नाम विनय शंकर मुफलिस है, मैं CIT यूनियन का सहायक महासचिव जिले। कर्मचारी आए हैं आवेदन की मांग को लेकर, क्या है ये? आज लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 1 एवं 3 के जो कार्यरत स्थायी कर्मचारी हैं, उन्होंने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है कलेक्टर महोदय के नाम पर। इनका ज्ञापन में मुख्य मांग ये है कि इनके 2 माह का जो वेतन है वो भुगतान नहीं किया गया है, उसी वेतन के भुगतान को लेकर के ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है कि ज्ञापन में मुख्य यही मांग है कि उनका अविलंब उनके वेतन का भुगतान करा दिया जाए। सर, इनका कहना है कि अगर मांगे पूरी नहीं होंगी तो फिर सीएम साहब के कार्यक्रम में भी। हाँ, अभी ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है, कार्यपालन यंत्री के गर्ग जी हैं, उनसे तत्काल अभी बात की जाएगी, साथ में कर्मचारियों को उनके पास भेजा जा रहा है, जो भी इनमें जल्द से जल्द आवश्यक कार्यवाही होगी वो कार्यवाही इसमें।